स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं जग्गू दादा की। जी हाँ, जग्गू दादा को तो आप सभी जानते हैं। बात हो रही है यहाँ पर जैकी श्रॉफ की। बता दें कि आज उनका जन्मदिन है और वो अब 65 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनको देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि उनकी उम्र 65 साल हो चुकी है। अब जन्मदिन के साथ साथ तो ऐसा होता ही है कि जन्मदिन तो मनाया जाता है, लेकिन उस दिन उनकी ऐसी बंद किताबें भी खुल जाती है जो शायद उन्होंने कभी खोली ना हो या फिर फैंस के सामने ना खोली हो। वही आज कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जैकी श्रॉफ को लेकर, जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये तो सभी को मालूम है कि जैकी श्रॉफ एक समय पर गुंडे हुआ करते थे और वो ये बात खुद एडमिट करते हर एक इंटरव्यू में कि मैं पहले गुंडा था, मुझे फिल्मों का शौक नहीं था। वो तो अचानक से ऐसे ही उन्होंने ऑडिशन दे दिया और वो सिलेक्ट हो गए और वो आज इतने बड़े सुपरस्टार है बॉलीवुड के कि हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है। यहाँ तक कि आपने ये भी देखा है कि जो मिमिक्री की बात आती है तो सबसे पहले हर कोई या तो सलमान खान की मिमिक्री करता है या शाहरुख खान की या फिर जैकी श्रॉफ की, और उसके बाद वो अगर कॉम्पिटिशन हो तो हर कोई अवार्ड जीत ही जाता है। बता दें आपको कि जैकी श्रॉफ का जन्म हुआ था 1 फरवरी 1957 मुंबई में और वो एक चौल में रहते थे। ये सोचने वाली बात है कि एक चौल में रहने वाला इंसान आज करोड़ों का मालिक है। और उनके जन्मदिन पर उनके बेटे ने एक आलिशान तोहफा भी उनको गिफ्ट किया है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम ये बात करेंगे कि आखिरकार उनकी ज़िंदगी में जो लड़की आई वो लड़की कहाँ से आई, क्योंकि सुनने में तो ये आया था कि मैं 13 साल की वो लड़की थी और उसके साथ कुछ ऐसी हरकत कर दी थी जैकी श्रॉफ ने, जिसके बाद ये पूरा मामला बना था। तो मामले को पूरा जानने के लिए आप इस रिपोर्ट में बने रहिए। बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार में से जैकी श्रॉफ 65 साल के हो गए हैं। उनका 1 फरवरी 1957 को मुंबई में जन्म हुआ था। मुंबई के चौल से एक सितारा चमका, जिसने न सिर्फ अपने करियर का इतिहास रचा बल्कि हिंदी सिनेमा को भी नई ऊंचाइयां दी। बता दें कि जैकी को फिल्म हीरो ने रातों रात स्टार बना दिया था। इसके बाद उनके घर के बाहर फिल्म मेकर्स की लाइन लगी रहती है। 1989 में आई फिल्म राम लखन से पहले ही उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड आयशा से शादी कर ली थी। वैसे दोनों की लव स्टोरी भी कमाल की है। शायद कम ही लोग जानते हैं कि जब जैकी आयशा को पहली नज़र में ही देखते दिल दे बैठे थे। उस दौरान वे किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में थे। जैकी और आयशा की लव स्टोरी असल में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों अचानक मिले, फिर धीरे धीरे करीब आते गए। जैकी एक रोज सड़क किनारे खड़े थे, तभी उन्हें 13 साल की एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी दिखाई दी। जैकी को उस लड़की से पहली ही नज़र में प्यार हो गया। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आयशा ही थी। आयशा को देखने के बाद जैकी उनके पास गए और उससे नाम पूछा तो बोली कि वो रिकॉर्डिंग स्टोर की ओर जा रहे हैं, क्या वे उनके साथ आना पसंद करेगी। उसके बाद जैकी ने म्यूज़िक एल्बम खरीदने से आयशा की मदद ली। जी हाँ, इस मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे से इस तरह से प्रभावित हुए कि ये रिश्ता जल प्रेम में बदल गया। लेकिन दोनों की लव स्टोरी आसान नहीं रही। जिस वक्त जैकी के दिल दिमाग पर आयशा थी, उस समय जैकी किसी और को डेट कर रहे थे। उनकी गर्लफ्रेंड अमेरिका गई हुई थी और वहाँ से लौटने पर दोनों शादी करने वाले थे। जैकी को आयशा से प्यार हो गया था और आयशा को भी जैकी अच्छे लगने लगे थे। दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन जब आयशा को पता चला कि जैकी की गर्लफ्रेंड है तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। इसके बाद आयशा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके दिमाग में बातें चल रही थी कि वह जैकी को हमेशा के लिए भूल जाए और जैकी की गर्लफ्रेंड से कह दे कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। फिर आयशा ने जैकी की गर्लफ्रेंड को एक लेटर लिखा और सब बता दिया। उस समय जैकी चौल में रहते थे और आयशा रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। रॉयल फैमिली से होने के बाद भी आयशा जैकी के साथ आम इंसान की तरह घूमती थी। जब दोनों का रिश्ता शादी तक पहुंचा तो आयशा की माँ को यह पसंद नहीं आया। उन्हें पसंद नहीं था कि उनकी बेटी ऐसे शख्स से शादी करे जो चौल में रहते हों। हालांकि प्यार की जीत हुई और 5 जून 1987 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद टाइगर श्रॉफ का जन्म हुआ। आयशा के आने के बाद जैकी में काफ़ी बदलाव भी आए। आयशा ने एक इंटरव्यू में कहा था, जैकी में उनकी खातिर कई बदलाव आए। शुरू में उनका पहनावा और बात करने का तरीका रफ था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी तरह बदल गया। वही जैकी ने कहा था, आयशा मेरे जीवन में किसी देवी की तरह आई थी। उन्होंने मेरा जीवन संवार दिया, मुझे सभ्य बनाया और किसी से मिलने मिलाने लायक भी कर दिया।
बता दें कि जैकी श्रॉफ को फिल्मों में मौका डायरेक्टर सुभाष घई ने ही दिया था। उनकी पहली फिल्म थी हीरो, जो सुपरहिट साबित हुई थी। हीरो में काम करने से पहले जैकी छोटे मोटे किरदार निभाते थे। जैकी ने हीरो, रामलखन, दूध का गर्ज, खलनायक, आईना, रंगीला, राधे, पॉटर, त्रिदेव, बंधन, कर्मा, तेरी मेहरबानियां, देवदास, त्रिमूर्ति, कुदरत का कानून, दुश्मनी, भारत, यादें, हैप्पी न्यू ईयर, साहू जैसी फिल्मों में काम किया है। लेकिन और आपको बता दें कि 80 के दशक में एक्शन और रोमांटिक हीरो के रूप में बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाले जैकी श्रॉफ का जन्मदिन है। इस मौके पर अभिनेता की पत्नी आयशा श्रॉफ के साथ ही उनके बेटे और अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने उन्हें सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाइयां दी है। जैकी श्रॉफ को अभिषेक बच्चन ने एक तस्वीर शेयर करते हुए भी बधाई दी है। जैकी की तस्वीरों को साझा करते हुए आयशा ने एक प्यार भरा संदेश लिखा। उन्होंने लिखा, दुनिया के सबसे दयालु दिल वाले इंसान को जन्मदिन मुबारक हो। आप एक अच्छे बेटे और सबसे प्यारे पिता हैं। उन्होंने इस पोस्ट में अपने बच्चों टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ को भी टैग किया। पोस्ट की पहली तस्वीर जैकी ने एक पुराने फोटो शूट की है। दूसरी फोटो में वह अपने दिवंगत पिता काकू भाई श्रॉफ के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं और आखिरी तस्वीर उनके बच्चों कृष्णा और टाइगर के बचपन की है। वही आयशा की पोस्ट पर सुनीता कपूर ने कमेंट करते हुए कहा है, हैप्पी बर्थडे जैक जी, आप एक अच्छे इंसान हैं और उम्मीद है कि आप सभी से जल्द ही मुलाकात होगी। एक अन्य ने लिखा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपने हमेशा बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है, हम सभी आपसे प्यार करते हैं सर। टाइगर श्रॉफ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जैकी की तस्वीरों का एक कोलाज साझा किया और लिखा, बेस्ट डैड को 18वें जन्मदिन की शुभकामनाएं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, भगवान आपको हमेशा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। आशा है कि मैं इस साल आपको थोड़ा और प्राउड फील करवा पाऊं, जिस तरह मुझे आपका बेटा होने पर गर्व है। जूनियर यानी कि अभिषेक बच्चन ने भी जैकी को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपनी और जैकी की एक पुरानी तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, जब मैं एक बच्चा था तब उन सभी में सबसे अच्छा है, जन्मदिन मुबारक हो जैकी सर। जैकी श्रॉफ को आखिरी बार रोहित शेट्टी की हिट फिल्म सूर्यवंशी में देखा गया था, जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका निभाई थी। 2021 की इस फिल्म में अभिनेता अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, रणवीर सिंह और अजय देवगन भी थे। उनके पास अब फिरकी और अतिथि भूतोभवा जैसी फिल्में पाइपलाइन में हैं। लेकिन साथ ही साथ बता दें कि इन्होंने अपना करियर बहुत ही स्ट्रगल के साथ जिया है, लेकिन जब से शादी हुई है, शादी के बाद से ये लगातार ऊंचाइयां ही छूते जा रहे हैं। आज इनके बारे में ये अनसुने किस्से कैसे लगे हैं और साथ ही ये भी जानना काफ़ी खूबसूरत रहा है कि किसी और के साथ डेट कर रहे थे, लेकिन उनको आयशा से पहली नज़रों का प्यार हो गया और वह प्यार आज तक चल रहा है और भगवान की दुआ से आगे भी चलता ही रहे। कहा जाता है हमेशा से ही पहली नज़र का प्यार हमेशा ही ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और हमेशा जगाए बनाए रखने वाला होता है, और वही चीज़ हुई थी जैकी श्रॉफ के साथ। तो ये प्यार अभी तक चल रहा है और इससे पूरी इंडस्ट्री भी खुश है। कहा जाता है कि जोड़ी सबसे प्यारी और न्यारी है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये तो सुन ही लिया कि जैकी श्रॉफ का वो सच्चा प्यार थी, पहली ही नजर में जैकी श्रॉफ उसको दिल दे बैठे थे और आज वही टाइगर श्रॉफ की माता है। जी हाँ, ये भी आपको बता दें कि उनकी जोड़ी को लेकर हर कोई कहता है कि जैसा कपल तो हमें होना चाहिए, क्योंकि दोनों में काफी ही ज्यादा प्यार है। उम्र का बहुत फासला है, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो जैकी श्रॉफ ने इस बात में भी सभी को टक्कर दे रखी है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।